हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक स्केचिंग एप्लीकेशन को देखने जा रहे हैं जो आपको ड्राइंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करिए स्केचबुक। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, स्केचबुक। तो इंस्टॉल पर टैप करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपसे अपनी स्टोरेज के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ कर दीजिएगा। और अब इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा वाइट पेपर आपको मिलेगा। ये पूरा वाइट स्क्रीन है, इस जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ऊपर में हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको न्यू स्केच, गैलरी, शेयर और प्रेफरेंसेस का ऑप्शंस मिलता है। न्यू स्केच का मतलब ये है कि अगर आप अपना नया स्केच स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अगर इस पर टैप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप कितने बाई कितने में अपना नया स्केच स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपको ये दोनों डायमेंशंस पसंद हैं तो आप उन पे जा सकते हैं, या फिर अदर्स पे जाके देखेंगे तो आपको मोबाइल, वेब और वीडियो वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम मोबाइल पे जाते हैं। मोबाइल पे आ जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको ढेर सारे और भी डायमेंशंस मिल जाते हैं यहाँ पर। तो हम इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे सेव करिए। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको मोबाइल व्यू में मिल गया। अब आप यहाँ पर अपना ड्राइंग कर सकते हैं इस डायमेंशन में। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है न्यू स्केच के बाद, वो गैलरी का था। गैलरी का मतलब है कि ये सीधे आपको गैलरी में ले जाएगा, और जो शेयरिंग है वो शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो प्रेफरेंसेस और सपोर्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो सिलेक्शन का है। तो सिलेक्शन पर टैप करिए। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे और भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाले में टैप करते हैं, लिकासो, ये हमें एक शेप प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपने पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया। तो अगर हम रेक्टेंगल वाले जो शेप है उसको सिलेक्ट करेंगे तो हम रेक्टेंगुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और एक बार में आप एक ही शेप को यूज़ कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे शेप्स हैं। अगर आपको हटाना है तो आप ये क्रॉस वाले पे क्लिक करिए और ये कैंसिल हो जाएगा, और इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो ट्रांसफॉर्म का है। ट्रांसफॉर्म पर आप टैप करिए। ट्रांसफॉर्म पे टैप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको और मिल जाते हैं। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर टैप करिए। ये डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं आप इस स्केच को हिला सकते हैं कहीं भी जो आपने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और इसको फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं। और जो हमारा अगला ऑप्शन है वो नच का है, ये आप देख सकते हैं। आप अगर इसको कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो इसको भी यूज़ करके आप इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ बटन्स हैं अप डाउन जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो फ्लिप हॉरिजेंटल का है, ये आप देख सकते हैं। ये हॉरिजेंटली फ्लिप हो जाता है, इधर उधर कर सकते हैं आप अपने स्केच को। और उसके बाद हमारा ऑप्शन वर्टिकल का है, वर्टिकल फ्लिपिंग, ऊपर से नीचे आप फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रोटेशन का ऑप्शन है, आप अपने स्केच को रोटेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये दोनों बटन आपको रोटेशन के लिए है, ये आप याद रखिएगा। तो अब इसे ओके कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो फिल का है। फिल पर टैप करिए और यहाँ पर आपको कलर्स मिल जाएंगे फिल करने के लिए। कलर्स ऑप्शन पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कलर फिल करने के लिए। सॉलिड फिल, लीनियर फिल, जैसा कलर आपको फिल करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट ऑप्शन है उस पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको टॉलरेंस करके ऑप्शन मिल जाएगा, जो बताएगा कि आपका जो डीपनेस है कलर का वो कितना होना चाहिए,
ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर आप कलर फिल कर रहे हैं तो इस जगह से रिवर्स कर सकते हैं। ओके कर लेते हैं, हमने फ़िलहाल कोई भी कलर ऐड नहीं किया है इस पर। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो गाइड्स का है। गाइड्स पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको रूलर मिल जाता है, स्केल, जो आपको एक एंगल देता है कि आप इतने एंगल पे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रूलर है, ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस स्केल को यूज़ करके। ये देखिए, इस तरीके से आप उस स्केल को यूज़ कर सकते हैं गाइड्स पे। फिर हमारे पास सिमेट्री का ऑप्शन है। सिमेट्री में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सिमेट्री है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, आप किसी भी जगह को सेंटर बना सकते हैं पूरे पेज का सिमेट्री को यूज़ करके। स्टार्टिंग में ये वर्टिकल था, उसके बाद आप इसे हॉरिजेंटल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको काफ़ी सारे सिमेट्री यहाँ मिल जाते हैं। और यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप पेज को लॉक कर सकते हैं सिमेट्री सेट करके। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो ड्रॉ स्टाइल्स का है। ड्रॉ स्टाइल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो शेप मिल जाते हैं, एक सर्कल है, एक ओवल है और एक लाइन है। तो अगर आप ओवल पर टैप करेंगे और यहाँ पे ओवल बनाएंगे तो ओवल बन जाएगा आपका, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। तो फिलहाल हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो प्रिडिक्टिव स्ट्रोक का है। तो स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक लगाना होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये स्ट्रोक का थिकनेस है, यहाँ पे उसको लेवल बताया गया है। अगर आप इसको हाई करते हैं, जैसे अभी हमने 4 पे रखा है, 4 पे हम ये स्ट्रोक लगा रहे हैं, तो शेड में डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, ये आप नोटिस कर सकते हैं। तो इसको डिफ़ॉल्ट रखते हैं, इस तरीके से अपने स्ट्रोक के लेवल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो इंपोर्ट इमेज का है, उसको यूज़ करके आप अपने गैलरी से कोई भी इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें पर्सपेक्टिव गाइड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पेज को डिफरेंट भाग में डिवाइड कर देता है, जिस हिसाब से आप ड्राइंग करना चाहते हैं डिफरेंट पार्ट पे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट का है। टेक्स्ट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं और फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। और उस टेक्स्ट को आप जिस जगह पे रखना चाहते हैं अपने स्केच में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम लैप्स का ऑप्शन है। नॉर्मल यूज़र्स के लिए उतने किसी काम का नहीं है, अगर आप स्केचिंग रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो पेंसिल लाइब्रेरी के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कितने सारे पेंसिल्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अलग अलग ड्राइंग कर सकें। स्टार्टिंग में जो हमारा पेंसिल होता है वो डिफ़ॉल्ट रहता है, और ऊपर में आप देख सकते हैं कि पेंसिल का नाम दिया जाएगा और उसका शेड दिखाया जाएगा कि ऐसा शेड होता है। ये मार्कर है, ये एयर ब्रश है, सारे का शेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप किसी पेंसिल को चुनते हैं तो उसका शेड कैसा होगा ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो कलर का है। कलर पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि पेंसिल का कलर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको जिस हिसाब से कलर चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ से कलर ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप RGB में भी आकर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या तो ऊपर के जो सर्कल है वहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो ओवरलेस का है। ये आपको बताएगा कि आपने कितने लेयर पर स्केचिंग की है। तो फिलहाल हम सिर्फ एक ही लेयर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ साइड में एक ही लेयर दिखा रहा है। अगर हमारे पास और भी लेयर्स होते हैं तो यहाँ पे और भी दिखाता। जैसे अगर मैं प्लस पे टैप करूँगा तो यहाँ पे एक और लेयर बन जाएगा। इस लेयर पे अगर आप टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारा डिटेल यहाँ मिल जाता है लेयर 2 के बारे में। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारा लेयर यहाँ पर बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो व्यू का है। इस व्यू पर अगर आप टैप करेंगे तो जितना भी ऑप्शन आपको दिख रहा है वो सारा हट जाएगा, और अगर आपको वापस वो सारा ऑप्शंस चाहिए तो आप वापस से यहाँ पे टैप कर सकते हैं। ये डिस्टरबेंस कम करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको ऑप्शंस ना दिखे और आप डिस्टर्ब ना हो, आप अपना ड्राइंग अच्छे से कर सकें।
तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, स्केचबुक एप्लीकेशन को, अगर आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड हैं तो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इसी तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।